भाई सुबह सुबह आंखें नहीं खुले और मैं वीडियो करने के लिए आ गया, क्योंकि अभी वीडियो नहीं करूंगा तो बाद में मेरे को टाइम ही नहीं होगा। सो इज वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो आज का प्लान ऐसा है कि कहीं जाना है, वो भी 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, समझ गए। बाकी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी था, वॉकिंग वगैरह मैं जा रहा था और साथ में जो भी वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है वो भी ट्राई कर रहा था, तो इस वजह से वीडियो वगैरह करने का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। फिलहाल अभी भी सेम सिचुएशन है, टाइम नहीं है, इस वजह से सुबह सुबह उठ के वीडियो कर रहा हूँ। गाइस आप लोगों को क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ वो समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग मतलब लास्ट वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था एक भाई का, तू सिर्फ डिमोटिवेट कर रहा है। तो देखो आज सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ इसलिए डिमोटिवेट मत होना, थोड़ा सा एनर्जेटिक अभी हूँ नहीं, तो इतना एनर्जेटिक रहूंगा तो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। देखो ऐसे तो बहुत सारे वीडियो बनाने का प्लान था, लेकिन अभी बहुत सारे वीडियो बाद में कभी बना लूंगा, अभी जो सिचुएशन है उसको शेयर करना चाहूंगा। तो फाइनली आप समझ चुके होंगे मेरे को जॉब लग गया है, 10 बजे के शाम के 7-8 बजे तक मेरे को ऑफिस में रहना पड़ेगा। और आज फर्स्ट डे है और आज मेरा ज्वाइनिंग डेट है, ऑफर लेटर अभी तक मिला नहीं, तो उन्होंने बोला था टेंशन मतलब अर्जेंट रिक्वायरमेंट था, तो इस वजह से मैंने कल इंटरव्यू दिया और आज ही मतलब कल ही उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया और आज मेरे को ज्वाइनिंग करना है। तो उन्होंने बोला तुम ऑफिस आ जाओ, वहीं पे ऑनबोर्डिंग सारे वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर लेते हैं और ज्वाइनिंग भी हम ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर बहुत दे देते हैं, फ्रेशर में ऑफर लेटर ही आता है, ज्वाइनिंग लेटर वही सेम हो जाता है। तो चलो जल्दी से नहा धो के मतलब फ्रेश होके, आज पहला दिन है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर बाद में देखेंगे, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा, लेकिन आज लेट नहीं होना है मेरे को। बाकी मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मतलब मैं लास्ट टाइम से मतलब ज्वाइन करना चाहता था प्लेसमेंट बेस्ड किसी भी इंस्टीट्यूट पे, एसपी ग्लोबल पे गया था, आपको पता होगा, उन्होंने इंटरव्यू लिया, मॉक टेस्ट लिया, फिर उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। फिर मेरे पास ऑप्शन था 360 का, और 360 मतलब मैंने ज्वाइन कर लिया था लेकिन वीडियो नहीं बनाया था। और 360 ज्वाइन करने के बाद शायद ये 10-12 दिन ही हुए हैं और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू में जहाँ पे गया था वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया था और सेकंड इंटरव्यू ये काल में गया था और काल ही मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जो प्रॉब्लम था ना वो ये था कि मेरे को रेफरेंस नहीं मिल रहा था, मेरे को चांस नहीं मिल रहा था कोई भी इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो देखो एक छोटी सी चांस मिला तो मेरा हो गया। भाई देखो जो लोग भी मतलब बोलते हैं कि भाई हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, इरिटेशन आ रहा है, ये तो होता रहता है भाई, इसको क्या करना। हमेशा जो आपका फोकस है ना वो जॉब के ऊपर रहना चाहिए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि देखो मैं अगर ये सोच के घर चला जाता तो मेरा कभी होता ही क्या नहीं हो पाता। आप लोगों को भी पता होगा मैं वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ, एज ए फ्रेशर में ट्राई कर रहा हूँ, एज ए एक्सपीरियंस भी ट्राई कर रहा हूँ, तो इस वजह से समझ लो मेरे को मतलब कितना दिक्कत हो रहा होगा। बाकी एज ए फ्रेशर ये तो हो गया, अगर एज ए एक्सपीरियंस होता तो उसके लिए अलग सा पापड़ बेलना पड़ता था और साथ में उसके लिए और भी पैसा खर्चा होता था। क्योंकि अभी मैं 360 ज्वाइन कर गया तो वहाँ पे भी मेरे को पैसा पेमेंट करना पड़ा, तो उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो लाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही से मिला था, इस पर भी वही से मिला। चलो कहीं ना कहीं तो वो इंस्टीट्यूट मेरे को ही जॉब दे रहा है, मतलब जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मेरा जॉब लग जाता है। यही रीजन है मैं बोलता हूँ जब भी आप आते हो ना तो कोई भी सेपरेट कोर्स ज्वाइन मत करो, अगर आप मतलब ले सकते हो तो 100% जॉब ग्रेड वाला ले लो, ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ताकि जो लोग पाइथन या कोई दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं उनको तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि जावा और .NET पे सिर्फ ये चीज है। एनीवे गाइस बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों का जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। मैं सुबह जल्दी उठा लेकिन फिर भी और काम थोड़ा इधर उधर करने के बाद टाइम तो निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, तो इस वजह से ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करूंगा, इसको एडिट करके भी अभी अपलोड करने वाला हूँ। क्योंकि देखो जॉब न होने का एक चीज ये होता है कि दिन भर तुम रूम में बैठते हो, लेकिन जॉब होने का ये दिक्कत भी होता है कि सुबह से लेकर शाम तक तुमको ऑफिस में ही रहना पड़ेगा, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन चलो करियर बनाना है तो इतना तो करना पड़ेगा, एक साथ दो चीज नहीं हो सकता, सारी चीजों को टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला आप लोग कमेंट कर दीजिए जो भी डाउट है, मेरे को पता है आप लोग को थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि अभी 8 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, इस वीडियो को एडिट करके भी डालना है तो 9 बजे तक सारी चीज कंप्लीट होना चाहिए। तो इस वजह से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय गाइस।